बिहार की राजनीति को महाराष्ट्र के घटनाक्रम से जोड़ते हुए चिराग पासवान ने भाजपा और जदयू को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू को अपने एकनाथ शिंदे की तलाश है। चिराग ने आरोप लगाया कि भाजपा और जदयू दोनों ही दल केवल राज्य में सत्ता के लिए गठबंधन में बने हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वैचारिक मुद्दों पर भाजपा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। युवा सांसद चिराग ने आरोप लगाया कि एमआईएम के चार विधायकों के राजद में जाने के पीछे नीतीश कुमार की ही साजिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत कम करने के लिए नीतीश ने ऐसा किया। चिराग ने कहा कि ओवैसी की पार्टी के विधायक जदयू के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत कम उपस्थिति के चलते उनका खुद की पार्टी में भी कोई भविष्य नहीं था, लेकिन सीएम की पार्टी में शामिल होने के बजाय वे राजद में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम के पीछे नीतीश कुमार का हाथ था, क्योंकि अब राजद ने भाजपा से सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा छीन लिया है। एनआरसी से लेकर जाति जनगणना तक एलजेपी ने अपने भागीदार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। जदयू के नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि पासवान को भाजपा की मौन स्वीकृति थी, जो मुख्यमंत्री की पार्टी की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन के साथ लौटी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पारस को जगह देने के बाद चिराग पासवान को बीजेपी ने बीच में छोड़ दिया। अब उन्होंने भगवा पार्टी की प्रशंसा करनी छोड़ दी है। एनडीए से उनके बाहर निकलने के बाद से राजद द्वारा चिराग पासवान को लुभाने के कई प्रयास किए गए हैं, जो उनके विकल्पों के तौर पर दिख रहे हैं। पासवान ने यह भी खुलासा किया कि उनके दिवंगत पिता की एक प्रतिमा का अनावरण 5 जुलाई को उनकी जयंती पर हाजीपुर में किया जाएगा। अवेकन टुडे न्यूज़ की रिपोर्ट।